मलाइका, अरे उधर रोगानी, इतने आओ ना, साफ सफाई में हाथ बटाओ माओ। देख मम्मी, और साफ सफाई का काम मारे से ना हो वैसे, मने तो किसी की धुलाई करना आवे से। तू मड़े बोल, मैं 2 मिनट में किसी ने धो दूंगी। हाँ, जब कोई की धुलाई करवाने हो ये ना, तब तुम्हें बुला लिए। फिलहाल जे बक्सा उतार दे, ले देखे तुम में कितनी ताकत है। अच्छा ऐसी बोल डालूंगी, बहुत लंबा मारे वो। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। क्या उठाते हैं, उठाते अभी आज तुम्हें बोझ उठवा रहे हैं हम। पढ़ाई लिखाई ना करियो, तुम बन जाइयो गवैया, सबके सब जाहिल पैदा भए, देखते कौन कौन पास हो ये जवार एग्जाम में। ये भी क्या करना है? खोलो जाको, बड़े दिनों से बंद पड़ो है, काका भरो देखो तो। रुक जाओ ऋतिक, अभी यार तुम्हें क्रिकेट टीम में भर्ती करवा रहे, पढ़ाई लिखाई ना करियो तुम, बल्ला गेंद खेलियो। हाँ, सबके सब फेल हुए हैं, टाइम खून पी रहे हैं, माओ पी ले खून सब हम। आओ मम्मी, बोल दो ना। नहीं मिले बोल। मम्मी, अभी ऐसे ग्राउंड में प्लेट ऐसे मारूंगा, प्लीज दो ना, फिर होमवर्क भी कर लूंगा थोड़ा सा, सॉरी ना दे दो ना। सिंह, अरे मम्मी ये देखो, ये पापा का 6वीं का रिजल्ट है, ये देखो। क्या बोला? हाँ ये देखो, पापा को रिजल्ट। हाँ देख के बताइए कितने नंबर से पास भए थे। मम्मी, आपको ये सुनकर दुख होगा कि आपके पति पढ़ाई लिखाई में एकदम जीरो अंडा है, जीरो अंडा। क्या बोल रहे जे? अरे फेल हो गए सारे सब्जेक्ट में, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, सारे में। ये देखो 5, 8, 10, 9, देखो संस्कृत में तो 5 आए 5। हाय बपैया, ये तो सही बोल रहा है, 3, 5, 8। अच्छा तो जाको मतलब जो हमसे झूठ बोल रहे थे, इतना लंबो लेक्चर सुनाए दो हमें अपनी अम्मा के सामने। और इनकी अम्मा फूले ना समाए रही थी कि हमारे लल्ला ने टॉप करो है, और हकीकत तो जा है। मम्मी और पापा तो एक नंबर का झूठा से, मैं तने कह रही है एक दिन इसकी जम के धुलाई कर दे, फिर देख इसकी अक्कल ठिकाने आ जावेगी। तुम अपना काम करो, आओ। इनको घुटना तब हम फोड़े हैं। इस सिचुएशन पर थारे मुंह से कोई विशेष गाना। आपको मरियाओ राजेश को फोन, ज्यादा सुना दी हमने। हमें लग रहा हूं ज्यादा शर्मिंदा फील कर रही है। हाँ रज्जू। हेलो, का हम टॉपर सिंह से बात कर सकते हैं? का कह रही, टॉपर सिंह? हाँ, तुमने पढ़ाई में इतना टॉप करो है ना, तो हमने आज से तुम्हारा नाम धर दो है टॉपर सिंह। अरे ना ना, ऐसा नाम रखने की जरूरत ना है। अरे तो फिर का बुलाए तुम्हें, फेलियर सिंह?
ये क्या कह रही तुम? अरे जी हम नहीं, जी तुम आओ छठी को रिजल्ट बोल लो। का कह रहे हो हम आओ छठवीं को रिजल्ट? जे की तुम बड़ी बुरी तरह से फेल भए थे। तुम्हारी अम्मा हमको बड़ी छीली छीली सुना रहे थे ना, हाँ बड़ी लंबी चौड़ी फेंक रहे थे ना। सुनो असल में क्या है, देखो राजेश तुम्हें गलत, जो हमें देखना हो तो हमने देख लो। हमारी बात ही ना समझ रही तुम। हेलो, नहीं तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हारे घर में शील्डन और ट्रॉफियों से तुम्हारा कमरा भरा हो तो ना। छठी को रिजल्ट देख के तो नहीं लग रहा हो, हाँ आओ घर, तुम्हें छठी को दूध तुम्हें हम याद दिलाए हैं। जी सब तेरी मम्मी को की उधरो है, उसी ने तेरे रणबीर भैया को सर पे चढ़ा रखो। वैसे दादी पापा पढ़ाई में कैसे थे? अरे तुम्हारे पिताजी तो बहुत ही होशियार हैं। हर क्लास में टॉप आते थे। ऐसो कछु नहीं है अम्मा, बल्कि तुम्हारे पापा क्लास में सबसे लद्दड़ हते। जे का बकवास कर रही है बहुतू? अरे जे हम नहीं कह रहे, जे तुम्हारे सपूत को छठी को रिजल्ट कह रहे हो, जे देख लो। देखो का कह रहे हो रिजल्ट? मैं तो हपुआ के 28% आए होंगे। हैगी तसल्ली? अम्मा रिजल्ट देख के एक बात तो साफ हो ही गई कि हप्पू सिंह पढ़ाई में लद्दड़ हते, और तुमने अपने लल्ला की सिर्फ लुल्लु पच्चो करी है, पढ़ाई में जरा भी ध्यान न दो। 28% अम्मा, बड़े शर्म की बात है जी। और तुम पढ़ाई नहीं करने तुम्हें, हाँ पापा की तरह बने अपने, चलो ते पढ़ाई करो, पापा जैसी ना बनियो, चलो। हम ये सोच ही रहे थे कि अब राजेश ने तो पूरी कसर निकाल ली, खरी खोटी सुना ली। अम्मा अम्मा ने कैसे फोन ना करो अब तक, और आ गओ ससुर। हेलो अम्मा, अम्मा राम राम। राम राम के बच्चे, तू एक ना एक दिन अपनी अम्मा को राम नाम सत करके छोड़ोगे। अम्मा जी कैसी बातें कर रही तुम, कब बोल रही हो? नास पीटे, पहले तू जे बता कि तेरे छठी में कितने नंबर आए हैं? अरे अम्मा सुनो, अब इतने साल हो गए ससुर, का पता कितने आए थे? झूठ मत बोल नास पीटे, वरना फोन में घुस के मारेंगे। तू छठी में बुरी तरह फेल भाव है। अरे अम्मा ऐसो का छुना है, कैसी बातें कर रही? ज्यादा बकर बकर मत कर, तेरो रिपोर्ट कार्ड पुराने बक्से से निकल आ हुआ है, और तेरे चक्कर में तेरी लुगाई सुना के गई है हमें। ना ना अम्मा, असल में वो हमारे चक्कर में नहीं, वो कबाड़ खाने के चक्कर में। कौन सा कबाड़ खानो? अरे वही कबाड़ खानो जो तुम्हारे बक्सा में पूरा बंद है को। हम कब से कह रहे हैं कि वो कबाड़ा निकालो, बेच दो ससुर के, निपटा दियो, तुमने ना निपटाओ। तो को तो पूरा घर कबाड़ खानो लगता है, पूरा घर बेच दे ससुर बता। अरे अम्मा जी तुम्हारे कबाड़ खाने के चक्कर में हमारी जिंदगी कबाड़ा हो गई। ना जो सारो कबाड़ इकट्ठो हो तो घर में, ना जो हमारा रिपोर्ट कार्ड मिलतो, ना हमारी जिंदगी चौपट होती। तेरे झूठ के चक्कर में तेरी लुगाई ने नींबू निचोड़ रखे। तू घर आ जा बेटा, हम जम के नींबू निचोड़ेंगे। अरे अम्मा और कितने निचोड़ोगी? ना ना बताओ कितने निचोड़ोगी, हमारे तो ससुर पहले से निचोड़े भाई हैं। का बोलो रे? कछु ना बोल रहे, हम जो कह रहे हम तुरंत घरे आ रहे। और अम्मा सुनो, तुम्हारे लाने बढ़िया सी रबड़ी ले आ रहे, रबड़ी। वाह, रबड़ी में थोड़ो सो जहर मिलाई दे यो कमबख्त। अरे रबड़ी फोन काट दो, ये दोनों एक सी है ससुर। हेलो, अरे ये तो देख, हाउ हम बढ़िया सो पैक बना हमारे कपड़ा बदल के, ठीक है? तुम्हारा स्कूटर कहाँ है? अरे यार स्कूटर आवाज करतो है, ससुर इतने ले आते तो राजेश को पता चल जातो कि हम तेरे घर में आ रहे टिकाने, तो हमने मोहल्ला में दूर खड़ो कर दो, ठीक है? हाँ आ जाओ आ जाओ।
बना 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 राजेश को पता चल जाए। बना बना पड़ गया। अरे दादा, राजेश कहाँ छुपा रहे हो यार? क्या बताए, घर में ना एक कांड हो गया। क्या कांड हो गया? मतलब पता नहीं सारू राजेश के हाथ में ना कहाँ से हमारे छठवीं क्लास को रिजल्ट हाथ लग गयो असली वालों। समझ गए, इसका मतलब ये है गुरु कि छठी का रिजल्ट जो है तुम्हारा बहुत ही घटिया रहा होगा। हैं? घटिया? अरे यार पूछो ना, इतना घटिया हाथों ससुर रिजल्ट हमाओ कि जब मास साहब आते ना भूदेव स्कूल में, उन्हें हमाओ जब ऐसा रिजल्ट देखो तो पता कब आओ हमें कुत्तन की तरह लात मार के स्कूल से बाहर निकाल दो। अबे कब हुआ ये तो हमको पता है ना। तुम्हें कहाँ से पता हुए? तुम तो हमारे साथ में आठवीं से ज्वाइन करी थी ना। मतलब ये है कि तुमने झूठ बोल के राजेश को धोखा दिया है? तभी तो इंतजार में है कब घरे घुसे और हमारा खून पी जाए। अच्छा तुम्हें पता, पहले तो माने हमें फोन करू और खूब खूब छिली छिली सुनाई तो बाद में पता क्या कह रही। आओ तुम कह रही आओ घरे, तो आओ सारे, बस घरे पहुंचते नहीं हमारी गुर्दा फोड़ देगी। अब क्या करोगे गुरु? क्या करेंगे? का तुम्हारे साथ बैठ के टिकाएंगे और रात में तुम्हारे घर में टिकेंगे। अरे लेकिन आखिर कब तक? एक ना एक दिन तो अंदर जाना ही पड़ेगा ना घर में। अरे यार आगे की आगे देखी जाएगी ना, आज रात तो छुपन दे। कोई फायदा नहीं है पापा। मम्मी और दादी को पता है कि आप यहाँ हो। अरे दादा क्यों बताओ बेटा, घर को मौसम कैसे चल रहा है? घर का मौसम बहुत खराब है। मुझे तो ऐसा अनुमान हो रहा है कि आप जैसे घर में एंटर करोगे ना, गरज के साथ साथ ओले भी पड़ेंगे। कहे अम्मा, तुम तो कह रही तुम्हारे लल्ला बड़े होशियार चंद थे, ये तो छठवीं में ही फेल हो गए थे बड़ी बुरी तरह से। हाँ, तो इसमें तो कोई झूठ ना है, हमारा हफुआ तो बहुत होशियार था, पूरा मोहल्ला इसकी तारीफ करता था। लेकिन दादी अब तो कोई तारीफ नहीं करता ना। वो मम्मी के चमचे, चुपचाप खाना खा ले। क्यों चुपचाप खाना खा ले? हाँ जनता जानना चाहती है कि तुम कहे फेल भय थे। कौन सी जनता जानना चाहती है? अरे जी जनता ही तो है ना। ना हम बताते हैं, वो कहा हुआ बहू, छठवी में हमारे हपुआ को भयंकर पीलिया हो गए थे। नहीं तो टॉप करता हमारे हप्पू। क्यों रे हप्पू, बोलता काहे नहीं है? हाँ वाओ अम्मा, पीलिया ज्यादा आओगे तो, वरना तो मजा ले कौन लौंडा हमके आगे निकल जा तू। लेकिन जो बताओ हमें ना, तुम बताओ जो लौंडा तुम हट्टू कट्टू है, सुबह सुबह आलू के पराठे ठूसतो है, जो कैसे सारो फेल होगा? कैसे फेल होगा? एक काम करो अम्मा, तुम छठवी की परीक्षा दोनों से फिर दिलवाओ। अब ना तुम्हारे लल्ला को पी लिया है और ना हमारे लल्ला को। नहीं, ये कैसी बकवास कर रही तुम? अब जी उम्र में मतलब सोचे ड्यूटी करें कि मतलब छठवीं की पढ़ाई करेंगे? अरे तुम काहे डर रहे हो, तुम तो होशियार हो ना, तुम तो अधिक नंबर ले आ लियो आसानी से। यस मदर, यू टेल राइट। तो अम्मा तैयार करो अपने लल्ला को, हमारे रणबीर तो आज अब इनसे अधिक नंबर ले आए हैं। तो ठीक है, हम आओ हपुआ भी दोबारा पेपर देगो। क्यों रे हपुआ? कह रणबीर तैयार हो तुम फिर? हाँ एकदम तैयार हूँ। और हप्पू तू? अरे हम कुछ पूछ रहे हैं। हाँ हाँ ऐसी बात है अम्मा, तो मतलब दे देंगे दोबारा पेपर दे देंगे ससुर का है उम्मे। हाँ तो ठीक है फिर, हो गए फैसलो, जो जीतेगा वो सिकंदर, हमारा हपुआ होगा सिकंदर। कम तो फिर से पी लिया ना हो जाए।
जब वो अपसेट होती है जयप्रकाश हलवाई के हाथों से बनी रबड़ी खाती है वो, यू नो। हाय कमलेश, मी वेट फॉर यू टिल वेरी लेट। मैंने तुम्हारा काफी देर तक इंतजार किया। ओह सो सॉरी, आई कम स्ट्रेट बिकॉज जयप्रकाश हलवाई शॉप्स बिग फार फ्रॉम योर हाउस। आई टेक शॉर्टकट इन शॉर्टकट रोड, सो मेनी बिग होल्स, माय बाइक व्हील गो इन ए बिग होल। ओह माय गॉड, देन हाउ योर व्हील कमिंग आउट ऑफ द होल? नो नो, नथिंग एल्स, जस्ट टू पीपल वॉकिंग देयर। I request them, hey people, come fast, help me. They smile and come, push me 4-5 times, my bike will come out from the hole. ये लो, रबड़ी। Oh God, Kamlesh, you do so much struggle just for my sweet, so sweet. Who sweet? Me. रबड़ी। क्या मजाक है, dear sis. Anyway, just shut down your eyes. I want to show you something. रे, बावड़ा हो गया क्या? आँख बंद करके क्या दिखाई देता है जो तू इसको दिखाएगा? Malaika, shut your mouth. I mean, shutting my eyes. रे दीदी, तू कुछ ऐसा कांड ना कर दीजो कि पापा को shut down eyes करने की नौबत आ जाए। No no no, I give her a new English speaking book. अरे इतनी मेहनत कर करके जो वो अंग्रेजी बोल रही है, क्या वो कम पढ़ रही है जो तो इसको और सिखा रहा है? ना ना, ऐसी बात नहीं है मलाइका। इंग्लिश लैंग्वेज इज अ बिग लैंग्वेज लाइक सी। इफ यू टेक 2-3 बाल्टी फ्रॉम द वाटर, यू विल नॉट लर्न। यू गो एंड थ्रो योरसेल्फ इन द सी। फिलहाल तो हमारा मन कर रहा कि तने थ्रो कर दूं इस बालकनी से। कमिंग डाउन मलाइका। अरे दीदी, तू चाहती है ना कि मैं इसकी गुद्दी ना तोड़ू? तो अभी क्या, अभी भगाई से यहाँ से। ओके, डोंट बी सो हॉट। ये बोला तू? मैं ये कह रहा हूँ, ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ। कैट बाय, आई गो, विल कम इन द मॉर्निंग, गुड नाइट, एंड हाँ, वॉच स्वीट ड्रीम्स। यू टू वॉचिंग स्वीट ड्रीम्स जस्ट लाइक रबड़ी। थैंक यू। सच में कभी कभी ना हमें तुम्हारी बहुत याद आती। अम्मा, तुमने कहा ज्यादा टिका ले का? हम कहां मरे जा रहे ससुर, हम तो तुम्हारे ही पास हैं। हम बखत तो से ना बोल रहे हैं, पिताजी से बात कर रहे हैं। डोकर आसपास खींच के इसके कान के नीचे एक मार, तो हमेशा मुझे डोकर डोकर बोलता रहता है, जब मैं था तब भी, अब नहीं हूं तब भी। दारे, अपने पिताजी को डोकर डोकर काय बोलता है? पिताजी ना बोल सकता है? अरे ना ना अम्मा, वो है तो पिताजी, लेकिन काय के प्यार से आप बोलते हैं डोकर। प्यार से बोलते है इसे के, अगर इतना ही प्यार करता है तो मेरे अरमानों में पानी क्यों फेर दिया? अगर इतना ही प्यार करता है तो अपने पिताजी के अरमानों पे पानी क्यों फेरता है? पूछो हमने कौन से अरमानों पे पानी फेर दो? अरे ये हमेशा फेल हुआ करता था, अब मुझे जाली रिजल्ट लाके दिखाता था। आपका होगा वो? तू हमेशा अपने पिताजी को उल्लू बनाते थे, जाली रिजल्ट दिखाते तो। और मैं जब असली घी के मोतीचूर के लड्डू मोहल्ले में बांटने के लिए लाता था ना, ये कंबक तो अकेला खा जाता था। अब ये बात तो भूल ही जाओ, हपुआ के पापा। और तू हमारी ये बात कान खोल के सुन ले हपुआ। तो तुम्हारी बात हम अम्मा कैसी बातें करती, तुम्हारी हर बात हम कान खोल के ही सुनते हैं। ना बेटा, तू हमारी कोई बात तो कान खोल के ना सुनते है। हाँ, अपनी लुगाई की बात कान में तेल डाल के सुनते है। ना 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 अम्मा, तुम्हारी बात भी सुनते हैं। हमारी भी सुनते हैं मतलब? अपनी बीवी की भी सुनते है?
ना ना हमा जो मतलब है कि बीबी की भी ऐसे सुनते हैं, सुन लेते हैं मतलब, तो भाई ध्यान से सुनते हैं हमारा बात। ना ना फपुआ, अब बात आ गई है हमारी आन बान और शान पे। जे हमारी इज्जत का सवाल है तो को टेस्ट तो देनो पड़ेगो बेटा, और टेस्ट में पास भी होनो पड़ेगो, और जे ना हुआ ना तो को डंडा से इतनी छिलाई करूंगी ना तो को छठी का दूध याद आ जाएगो। अरे दादा जी कैसी बात है, तो वक्त मारे दादा को ना याद कर, सच में आ गए तो देख, तो हमारे कहर से बचना है ना बेटा, तो ढंग से पढ़ाई कर।